क्योंकि यहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं, एक चिंताजनक बात मैं आपके द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचाना चाहता हूं कि कुछ जर्नलिस्ट ने कहा है कि जो उनकी एंट्री फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्ट्री में बंद हो चुकी है, उनके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस है, एमएचए का सिक्योरिटी क्लियरेंस है, पीआईबी की एक्रेडिटेशन है, और आप लोग हमेशा कहते रहे हैं कि हम तो एक ट्रांसपेरेंट सरकार चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे निर्णय आप मत लीजिए। जर्नलिस्ट को अधिकार है फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाने का, और जो भी वो समस्या रख सकते हैं, डेटा पूछ सकते हैं, उनको वो अनुमति होनी चाहिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। यू कैन हैव अ $5 ट्रिलियन इकॉनमी, फॉर एग्जाम्पल आप बंबई के शहर में चले जाओ तो 60% लोग तो गरीब हैं और 1% लोग अमीर हैं। तो अगर आप मुंबई की जीडीपी देखोगे तो आपको ये बहुत बड़ी है, लेकिन असलियत तब देखोगे गरीब आदमी की आमदनी ही नहीं है। जिस देश में 80 करोड़ लोग 10,000 रुपए से कम कमाते हैं, वो इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन हो भी जाए तो लानत है अगर हम उन गरीब की आमदनी नहीं बढ़ा सकते। That's the issue that we have today. And sir, can I inform you that in terms of per capita income, we are 122nd country in the world. 122nd country in the world in terms of per capita, and you're talking about $5 trillion, $10 trillion, $20 trillion. What's the relevance of that for the poor people of India? Tell us how you're going to improve their income. उनकी 10,000 से कैसे 20,000 करोगे, 20,000 से 40,000 कैसे करोगे, तब मुस्कान आएगी हमारे चेहरे पे और आपके चेहरे पे। हम कोई विवाद की बात नहीं कर रहे, हम यहां बैठे ये सोच रहे हैं कि आप कौन सा ऐसा क्या नया कदम उठाने वाले हो, नए भारत के और नए भारत के निर्माण करने जा रहे हो, जहां जो हिंदुस्तान का जो आम आदमी है उसकी जिंदगी में राहत आएगी। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। अभी यहां लोग कृषि की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, और एग्रीकल्चर में स्थिति क्या है सर, एग्रीकल्चर और पानी जुड़ी हुई समस्या है। किसी ने पानी की बात की, कमानी की समस्या कैसे सुलझाओगे? मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान का इतिहास सारा समझो। 100,000 पहले जब चावल बोया जाता था केवल ईस्टर्न यूपी में और साउथ इंडिया में बोया जाता था, क्योंकि वहां वर्षा होती थी, पानी बरसता था। और गन्ना महाराष्ट्र में बोया जाता था, लेकिन अब उल्टा हिसाब हो गया। आपका विजन क्या है? आपको किसानों को यह समझाना होगा कि पानी जो चावल है उस जगह बो जहां बारिश होती है, तो आपका वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे नहीं जाए। आज अरे भैया मैं प्लीज कृपया बैठ कर मैं आरोप नहीं लगा रहा, गंभीर बात है। आज हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आप देश की समस्या के बारे में बात करेंगे, कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही यहाँ। तो कहने का मतलब यह है कि आपको क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना होगा, कहाँ क्या बोया जाए वो चेंज करना होगा, चावल कहाँ होगा, गेहूं कहाँ होगा, गन्ना कहाँ होगा, पानी की वजह से। और आप कहती हैं कि आप ना नल से जल आप बात कर रहे हैं। आज के दिन 78% जो पाइप्ड वाटर जा रहा है वो ग्राउंड वाटर से जा रहा है, और 5,194 ब्लॉक्स हिंदुस्तान में ग्राउंड वाटर के सूखे पड़े हैं। अगर आप नल से जल ग्राउंड वाटर के द्वारा ले जाओगे तो हिंदुस्तान की जनता को पानी पीना के लिए नहीं मिलेगा। ये समझ लीजिए बात, कोई सोच नहीं, कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं, कोई विजन नहीं। बजट के बारे में हम बात करते हैं, आपने कहा कि चलिए हम एमएसपी बढ़ा देंगे। चलिए आपने एमएसपी बढ़ा दी, एमएसपी बढ़ाओगे तो वही किसान गन्ना भी बोएगा, वो वही किसान गेहूं भी बोएगा, वही किसान चावल भी बोएगा, और ज्यादा बोएगा क्योंकि उसको एमएसपी दाम मिलेगा। ज्यादा बोएगा क्या उसका इफेक्ट पानी पे पड़ेगा, तो इस समस्या को आप कैसे सुलझाओगे? ज्यादा नहीं दोगे तो किसान निराश हो जाता है, किसान आप कोई नाराज नहीं करना चाहता क्योंकि राजनीति है उसमें।
तो ये समस्या से हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मैं कुछ बातें आपके सामने इसीलिए रखना चाहता था। ये बात जहां तक नल से जल की बात है, ये नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन पहले भी ऐलान हुई, पिछले 5 साल में तो आपने कुछ नहीं किया। कोई आंकड़े ऐसे नहीं है जो बताते हैं। इनफैक्ट ये जो बजट था वाटर का, वाटर मिनिस्ट्री का, ये सब तो स्वच्छ भारत में चले गया। मैं आंकड़े नहीं बताना चाहता लेकिन ये असलियत है। तो पिछले 5 साल में तो कुछ आपने इस समस्या को देखा तक नहीं। आज आप कहते हैं नल से जल जाएगा, और नल से जल जाने के लिए जो मंत्रालय आपने जोड़ दिए, दो मंत्रालय जोड़ दिए, उसमें जो इजाफा हुआ वो 1,000 करोड़ का हुआ, वो कम हुआ है। जो पिछले बजट, जो सेपरेट मिनिस्ट्री का बजट देखा जाए उससे कम बजट है। तो ये भी एक जुमला है। तो कहने का मतलब है कि आप नए भारत की बात कर सकते हो, उसके निर्माण की बात कर सकते हो, $5 ट्रिलियन की बात कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि बात नहीं कर सकते, बट असलियत क्या है? असलियत यह है कि आज के दिन बड़ी बड़ी बातें तो हो सकती हैं, लेकिन उनको उन पे अमल करना कोई आसान काम नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मुझे कबीर के दोहे का याद आ गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। और जनता को तो फल चाहिए अब, वो 5 साल इंतजार नहीं कर सकते। उड़ा के बादलों को तुझे मैं दूर ले जाऊंगा, ये जहां दिखा के तुझे और भी दिखाऊंगा। आप सपने मत दिखाओ लोगों को, असलियत की बात करो। और इसलिए देश की जनता में यह है कि आज न तो किसान खुश है, मैं सुइसाइड्स की बात नहीं करूंगा, उस पर चर्चा हो चुकी है। किसान खुश है, जहां MSP होना चाहिए वहां MSP है नहीं, जहां प्रोक्योरमेंट हो सकती है वहां प्रोक्योरमेंट है नहीं, जब वो अपना प्याज बोता है तो उसको सड़क पर फेंकना पड़ता है, टमाटर बोता है तो सड़क पर फेंकना पड़ता है, आलू बोता है तो सड़क पे फेंकना पड़ता है, वहां तो कोई समस्या है नहीं, और गन्ने के दाम आप दे नहीं सकते। तो ये तो एक बहुत ही गंभीर समस्या देश के सामने है, और विपक्ष को और नेता पक्ष को इकट्ठा होकर इस पे चर्चा करनी चाहिए कि इसके आगे हम आगे बढ़ाएं कैसे। दूसरी बात यह है, मैंने पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तो बात कर दी, लेकिन अब मैं आता हूं कि जो इंटरनल कंसम्पशन है इसमें भी बड़ी गिरावट आई। और मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आज ही सुबह अखबार में आपने पढ़ा होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि पिछले 45 क्वार्टर में से ज्यादा आज के दिन जो डिमांड गिरी है, पिछले 45 क्वार्टर में इतनी डिमांड नहीं गिरी। कपिल सिब्बल जी, एक मिनट और आपकी पार्टी के द्वारा दिए, दो मिनट मुझे और दे दीजिए। आप 20 मिनट है। नहीं नहीं, पार्टी के द्वारा माननीय आनंद जी 15 मिनट का समय है, आप दे जो मेरे पास रिकॉर्ड 15 मिनट है, यहाँ भी 15 मिनट। मैंने आग्रह किया था आप भिजवा दें, अगर एक्सपोर्ट स्टेपिड हो जाए, म्यूटेड हो जाए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाए और कंसम्पशन खत्म हो जाए तो सिलेंडर चलेगा कहां से भाई साहब? ये तो बताइए हमें, ये नए भारत का निर्माण कैसे होगा? आपका तो निर्माण हो जाएगा, भारत का निर्माण कैसे होगा? नहीं, ईवीएम की अभी ये बात नहीं करेंगे। द एवरेज ग्रोथ रेट इन मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द 10 ईयर ऑफ UPA रूल स्टूड एट 18%, व्हाइल ड्यूरिंग द 5 ईयर ऑफ मोदी रूल द एवरेज ग्रोथ रेट वॉज ओनली 12.6%। During UPA 2, exports grew by a whopping 69%. For 19 months, 19 महीने NDA के कार्यकाल में exports negative growth रही, negative. अभी थोड़ी बड़ी है, और हमारे कार्यकाल में 15% से ज्यादा हमेशा रही on an average, और कुछ वक्त तो 69% रही। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आपकी exports 15% से ज्यादा नहीं होंगी, तब तक आपका 8% GDP हो ही नहीं सकता। तो आप कौन से नए भारत की बात कर रहे हो, जहां कृषि खुश नहीं है,
फिर आपने कहा कि ठीक है हमने जो बड़े बड़े कमाने वाले हो हैं उसमें मैं भी एक हूं कि उनका टैक्स बढ़ा देंगे, बढ़ा दीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं, आप 43% कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग कितने हैं 6000 के लगभग, आपको कितना मिलेगा 3000 करोड़, इतना ही मिलेगा ना। और जो आपने 1 रुपया दाम बढ़ाया है पेट्रोल का और 1 रुपया डीजल का बढ़ाया है, आपको मालूम कितना बटोरोगे उसमें 18000 करोड़। तो ये टैक्स तो आम आदमी पे आप लगा रहे हो और दिखावे का बात है कि हम अमीर को उनसे पैसा ले रहे हैं, ये सब दिखावा है, ये सब ऑप्टिक्स है, ये सारा बजट ही ऑप्टिक्स है। और 109 व्यक्तियों ने, इकोनॉमिस्ट ने कहा है, 108 इकोनॉमिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड केम आउट विद अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन March 14, 2019 अलेजिंग दैट द गवर्नमेंट वाज इंटरफेयरिंग विद द कंट्री स्टेटिस्टिक्स गैदरिंग एजेंसीज। They said Indian statistics and the institutions associated with it have come under a cloud for being influenced and indeed even controlled by political considerations. The government has dismissed the controversy of allegations. 108 economists hai logon ne kaha hai ki aapke aankde hi sab galat hain. Aur Chidambaram sahab ne sahi kaha ki aapki jo revenue earnings hain wo to itni kam ho gayi, aapki expenditure bhi kam ho gaya, to aapki growth kahan se hogi? अरे एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, रेवेन्यू अर्निंग बढ़ाओगे तो ग्रोथ होगी ना। तो अगर आप 8% ग्रोथ चाहते हो तो अगले कुछ सालों में आपका रेवेन्यू अर्निंग 23% बढ़ना चाहिए, उसकी तो कोई संभावना है नहीं। दूसरी बात, आपने इस बार, क्योंकि आपके पास यहां तो पैसा है नहीं, बैंक क्रेडिट देना नहीं चाहता किसी को, आप जितना मर्जी SLR घटा दीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर भी क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि ना तो MSME में क्रेडिट जा रहा है ना NBFC की, तो आप हालत देख ही रहे हो। IL&FS का स्कैन जो आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं, आज के दिन 91000 करोड़ है, 91000 करोड़ IL&FS का स्कैम है, वो अभी आप छुपा के रखे हुए हैं, उससे जो NPA और बढ़ेंगे, और हम तो देख रहे हैं रोज क्या हालत है इस देश की, हम तो मुकदमे भी वो लड़ रहे हैं। तो इसका होगा क्या? आप कहते हैं कि 1 लाख MPA कम हो गया, लेकिन MPA तो आज भी 12% हैं, उनका क्या होगा? तो NBFC दुखी हैं, MSMEs दुखी हैं, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो नेटवर्थ लोग हैं, 5000 करोड़ तो 18-19 में बाहर चले गए, हिंदुस्तान से बाहर चले गए 5000 लोग, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। और जाने को जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कभी उनके पीछे आप PMLA लगा देते हो, कभी CBI लगा देते हो, कभी कोई और टैक्स लगा देते हो, जो आपके खिलाफ बयान दे उसके ऊपर भी लगा देते हो। तो ये जो एक वातावरण बन रहा है ना देश में, इससे आर्थिक व्यवस्था में और खराबी आएगी, घटौती आएगी। तो आप ये मत करिए, एक मिनट और, अब मैं सॉवरेन फंड्स की बात करूंगा, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। 20 मिनट हो गए सर, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं, मैं वैसे भी बैठ जाऊंगा, मुझे जस्ट 1 मिनट सर प्लीज। तो सॉवरेन फंड्स के मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भैया हमारे यहां तो पैसा मिलेगा नहीं, क्यों, इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा है, तो सॉवरेन फंड हम बाहर से ले आएंगे। चलिए ले आइए, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, आप ले तो आएंगे। पिछली सरकारों ने हमेशा इसको नकारा था, आपने मान लिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मालूम नतीजा क्या होगा कि अगर रुपया गिरावट में आ गया तो आपके जो डेट है वो इतना बढ़ जाएगा, उसको आप सर्विस नहीं कर पाओगे। इसलिए लाजमी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रुपया ऊपर रखना पड़ेगा, और अगर रुपया ऊपर रखोगे तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी, ये असलियत है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो स्ट्रक्चरल चेंज जिसकी हम सोच रहे थे कि आप लाएंगे, वो विजन हम दिखाएंगे, ना तो स्ट्रक्चरल चेंज आए ना विजन देखी, लेकिन एक ट्रेलर जरूर दिखा, मूवी हम अगले साल शायद देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मानिक कपिल सिब्बल जी।